दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं आप एंजल वन ऐप को यूज कैसे करेंगे और एंजल वन ऐप में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलने वाली है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए स्टॉप लॉस के बारे में और टारगेट के बारे में, ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग कर पैसे कमाना तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो बात करते हैं दोस्तों हम एंजल वन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों अगर आप एंजल वन में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंजल वन ऐप यूज करना आना चाहिए। अगर आप ये ऐप यूज करना सीख जाएंगे तो आप यहाँ पर अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। अगर ऐप यूज करना आप सीख जाते हैं उसके बाद ही आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं एंजल वन ऐप कैसे यूज करेंगे। दोस्तों सबसे ऊपर आपके सामने ऑप्शन आता है सर्च का। अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो यहां आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं जिस कंपनी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप टाटा मोटर कंपनी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये नाम आप सर्च कर लेंगे। जैसे कि अगर आप नीचे देखेंगे यहां लिखा हुआ है ऑप्शन चेन, बस यहां क्लिक करना है। यहां पर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहां से आप कॉल पुट बाय कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग किसी भी कंपनी में आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी इस इंटरफेस के बारे में मैं आगे आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए यहाँ से अब हम बेक आते हैं। यहाँ से बेक आने के बाद अब आपको दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब बात आती है मार्केट टूडे की। यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक निफ्टी 50 का है और एक बैंक निफ्टी का है। दोस्तों आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो न्यू यूजर है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर निफ्टी 50 का ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि न्यू यूजर दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप सीख जाते हैं ट्रेडिंग करना, प्रोफेशनल आप बन जाते हैं तो फिर आप बैंक निफ्टी को ट्राई करें। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, यहाँ पर आप पोर्टफोलियो भी अपना देख पाएंगे, नीचे और भी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब बात आती है दोस्तों वॉच लिस्ट की। अगर आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर पाएंगे जिसमें आप अपनी फेवरेट कंपनी को ऐड कर सकते हैं जिन कंपनी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, जिस नाम से वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम एंटर कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और वॉच लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आप किसी भी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में अब ऐड कर पाएंगे, जैसे कि ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे, जिस कंपनी को वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस पे स्टार वाले पे क्लिक कर देंगे और डन पे क्लिक कर आप उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर ही आपके सामने शो होता है कि इस कंपनी पे आज के दिन एक शेयर पे कितने रुपए बढ़े हैं और कितने घटे हैं, ये भी आप देख पाएंगे। आगे पोर्टफोलियो, यहाँ आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। अब आगे आता है दोस्तों ऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ऑर्डर्स देख पाएंगे जो आपने लगाए हैं इंट्राडे में, डिलीवरी में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में। जो भी ऑर्डर्स आप लगाते हैं वो आप यहाँ देख पाते हैं। पोजीशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये आप ऑर्डर पे क्लिक कर पोजीशन में देख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है और यहाँ से ही आप अपनी पोजीशन से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके होम पेज पे आ जाते हैं। अब बात आती है अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करेंगे, कॉल और पुट कब बाय करेंगे और किस तरह से बाय करेंगे, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी 50 को, इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा, नीचे है दोस्तों ऑप्शन चेन, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने अब ये वाला पेज यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉल पुट बाय कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पर आकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या बाय करना है, कैसे करना है, कब बाय करना है, ये आप यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप एक न्यू यूजर हैं, फर्स्ट टाइम आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं। चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी 50 और निफ्टी 50 कितनी डाउन है, कितनी ऊपर गई है, ये आप साइट में देख सकते हैं। अगर प्लस में आपके सामने शो हो रही है तो ये निफ्टी 50 आज के दिन ऊपर गई है, अगर माइनस में शो हो रही है तो आज के दिन डाउन गई है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब नीचे आपके सामने कुछ डेट्स आती है, जैसे कि 7 दिसंबर,
14 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर, 4 जनवरी, ये कुछ डेट्स आपके सामने आती है। इन डेट का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये डेट होती है आपकी एक्सपायरी डेट। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 7 दिसंबर से लेट कर कोई कॉल बाय करते हैं या फिर कोई पुट बाय करते हैं तो उसकी वैलिडिटी यहां पर 7 दिसंबर तक रहेगी। अगर आपने डिलीवरी लगाकर बाय करा है 7 दिसंबर तक आप उस कॉल को होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ये बेनिफिट आपको मिलता है एक्सपायरी डेट का। और अगर आप 14 दिसंबर से लेट करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर अब आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप 7 दिसंबर से लेट करके कॉल बाय करते हैं, एक कॉल आपको पड़ेगी 90 रुपये की और 12 पैसे की। अगर आप यही कॉल बाय करते हैं 14 दिसंबर एक्सपायरी डेट से लेट करके तो अब आपको एक कॉल पड़ेगी 172 रुपये 70 पैसे की। अगर आप 21 दिसंबर से लेट करते हैं, एक्सपायरी डेट का टाइम आप आगे बढ़ाते हैं तो अब आपकी कॉल की प्राइस हो जाएगी एक कॉल की 233 रुपये 45 पैसे की। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी लंबी आप एक्सपायरी डेट सेट करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पर पे करना होता है कॉल बाय करते समय या फिर पुट बाय करते समय। अब उसके नीचे दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है कॉल का, एक आता है स्ट्राइक प्राइस का, एक आता है पुट प्राइस का। चलिए पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कॉल की, कॉल कब बाय करना है और कैसे बाय करना है और किस तरह से बाय करना है। चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इस साइट में आपके सामने कॉल शो हो जाती है और ये कॉल का जो ऊपर वाला प्राइस दोस्तों ये अभी के टाइम में अचीव यहाँ पर कर लिया गया है, और जो ब्लैक पट्टी के नीचे वाली कॉल है दोस्तों यही अभी के टाइम में आपको बाय करनी है। अब बात आती है बाय हम कब करते हैं। दोस्तों कॉल आप जब बाय करते हैं जब निफ्टी 50 ऊपर जाती है, यानी निफ्टी 50 अगर बढ़ रही है तो आपको यहाँ पर कॉल बाय करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात आती है बाय कैसे करते हैं। दोस्तों ये पट्टी जो आप देख रहे हैं इसके नीचे वाली आपको यहाँ से कॉल बाय करनी स्टार्ट करनी है। अगर आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आप नुकसान अपना कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं आप, तो आप शुरू वाली को या फिर सेकंड या फिर थर्ड वाली को यहाँ पर सिलेक्ट करें या फिर आप फोर्थ को भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात आती है अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो पहले हमें चार्ट देखना चाहिए, तो चार्ट कैसे देखेंगे उसके लिए बस चार्ट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप चार्ट इसका देख पाएंगे या कैंडल चार्ट पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं दोस्तों, फिर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर आपके सामने शो होता है टाइम फ्रेम, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अब जो आपकी एक कैंडल रहेगी दोस्तों ये 5 मिनट की रहने वाली है। और आगे आपके सामने ऑप्शन है कैंडल का, यहाँ क्लिक अगर आप चाहे तो उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चार्ट अपना लाइन में रखना चाहते हैं तो लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं चार्ट को कैंडल्स में रखना तो कैंडल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों कैंडल्स आपके लिए बेहतर रहेगा, कैंडल चार्ट पैटर्न आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। अब चलिए यहाँ से हम बिकाते हैं। अब मैंने आपको जानकारी दे दी है किस तरह आपको चार्ट यहाँ पर देखना होता है। अगर आप डिटेल से चार्ट देखेंगे तो आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, या फिर डेट रेंज के हिसाब से भी चार्ट इसका आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है। अब हम आते हैं यहाँ से बेक, यहाँ से बेक आने के बाद अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्राइक प्राइस की, इसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ आपके सामने निफ्टी 50 का करंट रेट शो होता है, और ये जो निफ्टी 50 का ऊपर वाला रेट है दोस्तों ये अभी के टाइम में अचीव निफ्टी 50 ने कर लिया है। निफ्टी 50 करंट टाइम में 20,825 पे है, और आप देख पाएंगे 20,750 20,800 ये प्राइस अभी के टाइम में निफ्टी 50 ने अचीव कर लिया है, और जो नीचे का प्राइस है दोस्तों ये अभी अचीव नहीं किया गया है। अगर आपको कॉल बाय करनी है तो यह नीचे से करनी है, ये होता है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। अब बात आती है दोस्तों पुट की, पुट आप कब बाय करते हैं और कैसे बाय करते हैं और किस तरह से बाय करते हैं, चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों अगर निफ्टी 50 यहां पर डाउन जाती है तो आप बाय करते हैं पुट। पुट आपको कहां से बाय करनी है ये आप पहले एक बार यहां पर समझ लें। आप ऊपर देखेंगे दोस्तों इस ब्लैक पट्टी के जो ऊपर वाली साइड की पुट है यहां से ही आपको बाय करनी है, क्योंकि जो पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों वो अभी अचीव नहीं किया गया है। पुट आप जब बाय करते हैं जब निफ्टी 50 डाउन जाती है, जब भी आप पुट बाय करेंगे तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर निफ्टी 50 बढ़ रही है और आपने पुट बाय कर लिया तो जितनी निफ्टी 50 बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा लॉस आपको हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कॉल जब बाय करनी है जब निफ्टी 50 ऊपर जाती है, पुट जब बाय करना है जब निफ्टी 50 डाउन जाती है, और जब निफ्टी 50 डाउन जाए तो पुट आपको इस ब्लैक पट्टी से ऊपर की बाय करनी है, ये बात आपको ध्यान यहाँ पर रखनी चाहिए। अगर आप ये बाय नहीं करते हैं
आप ज्यादा नीचे से आगे बाय कर लेते हैं तो आप नुकसान अपना कर सकते हैं। अगर आप बिगेनर से तो आप पहले वाले को, दूसरे को, तीसरे को, फिर चौथे वाले को यहाँ पर सिलेक्ट करें, इसमें आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप इतना समझ गए होंगे कि कॉल कब बाय करनी चाहिए और पुट कब बाय करनी चाहिए और किस तरह का प्रॉफिट आपको होता है कॉल में और पुट में, और स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर इतना सब आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू भी वॉच करें क्योंकि इस वीडियो में अभी आपको और भी काफी जानकारी देखने को मिलने वाली है। चलिए अब बात आती है दोस्तों, अगर हमें यहां पर कॉल बाय करना हो तो कैसे बाय करेंगे, अब मैं आपको जानकारी यहां पर दे देता हूं। दोस्तों मैं आपको बाय अगर दिखा रहा हूं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कि इस तरह से आप कॉल बाय यहां पर कर सकते हैं। मैंने अभी अपनी कोई भी रिसर्च यहां पर नहीं करी है। अगर आप कॉल या फिर पुट बाय कर रहे हैं तो आप पहले अपनी पूरी रिसर्च करें। आप ऑप्शन ट्रेडिंग को जुआ की तरह यूज ना करें, गेम्बलिंग की तरह यूज ना करें। अगर आपने रिसर्च करी है अपनी तो जब भी आप यहां पर कॉल बाय करें, अगर आपने रिसर्च करी है जब भी आप पुट बाय करें, आप बिल्कुल भी यहां पर तुक्का ना लगाएं कि अभी मैं बाय करता हूं वो ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट यहां पर निकालूंगा। एक अधिक बार दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो अगली बार आपको नुकसान भी हो सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा। तो ध्यान आपको रखना है, अगर आप कैंडल चार्ट पैटर्न सीख जाते हैं तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, नहीं तो आप सीखने के लिए कम अमाउंट से ट्राई करें, ज्यादा अमाउंट अपने पास से आप ना लगाएं क्योंकि यहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है और नुकसान भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप 1000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और 1000 के अगर आप कॉल बाय कर लेते हैं तो 1000 में से आपके पास सिर्फ 100 बचे, 900 रुपए का आपको नुकसान हो जाए। इतनी फास्ट आपको नुकसान यहां पर होगा और इतनी फास्ट आपका प्रॉफिट भी यहां पर होगा। तो आप जब भी कॉल या पुट बाय करें तो स्टॉप लॉस का यूज यहां पर जरूर करें। तो स्टॉप लॉस कैसे यूज करेंगे ये भी अभी आपको जानकारी आगे देखने को मिलने वाली है। चलिए अब बात आती है, अगर हमें कॉल बाय करना है तो कॉल कैसे बाय करते हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको यहां पर पहले सिलेक्ट करना है कि कॉल आप यहां पर फर्स्ट में बाय करना चाहते हैं, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ में आप बाय करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ प्राइस आपके सामने आते हैं जो अभी अचीव नहीं किए गए हैं। अगर आपको लगता है निफ्टी 50 2850 तक आ जाएगी तो आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको लगता है निफ्टी 50 2900 तक आ जाएगी तो आप सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको लगता है निफ्टी 50 2950 तक आ जाएगी तो आप थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अपने हिसाब से दोस्तों आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको बाय अगर दिखाने वाला हूं तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, तो मैं अभी के टाइम में इस कॉल को सिलेक्ट करने वाला हूं तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा, यहाँ आप ऊपर ओपन प्राइस देख सकते हैं, हाई आप देख सकते हैं, लो आप देख सकते हैं। यहाँ आपके सामने शो होता है मार्केट डिप, जैसे कि कितने यूजर इस कॉल को बाय कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं ये आप देख पाएंगे, कितने यूजर इस कॉल को सेल कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं ये आप आगे देख पाएंगे, और चार्ट अगर आपको देखना है तो चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप इस कॉल का चार्ट यहाँ पर देख पाएंगे, जो भी कॉल आप बाय कर रहे हैं उसका चार्ट आप एक बार जरूर देखें जब भी आपको बाय करना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ से बेक आते हैं, आगे लिखा हुआ स्टॉक डिटेल्स यहाँ क्लिक अगर आप डिटेल्स भी देख पाएंगे। अब बात आती है बाय करने की, तो बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर आपके सामने शो होता है निफ्टी 50 और नीचे आपके सामने शो होती है एक्सपायरी डेट। ये एक्सपायरी डेट अभी के टाइम में हमारी होने वाली है अगर हम कैरी फॉरवर्ड को सिलेक्ट कर बाय करते हैं। अब आगे आपके सामने शो होता है इसका एक प्राइस, एक कॉल का प्राइस कितना है वो आप ऊपर देख पाएंगे और आज के दिन कितने रुपए इस पे बढ़े हैं वो आप साइड में देख पाएंगे। अब नीचे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा कैरी फॉरवर्ड्स का, एक आता है इंट्राडे का। चलिए बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की और इंट्राडे की। अगर आप कैरी फॉरवर्ड को सिलेक्ट कर एक लॉट्स बाय करते हैं तो उसकी वैलिडिटी दोस्तों रहेगी 7 दिसंबर तक। अगर आप इंट्राडे को सिलेक्ट कर एक लॉट बाय करेंगे तो उसकी वैलिडिटी रहेगी सेम डे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो आपको सेल करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर सेल करेगा, फिर आपसे वो कुछ चार्जेस भी यहाँ पर लेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप न्यू है तो कैरी फॉरवर्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको 2 दिन मिलते हैं होल्ड करने के। अगर नुकसान आपको होता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट डे अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप सेल कर सकते हैं। अब हमने कैरी फॉरवर्ड सेट कर लिया है, अब नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा नंबर ऑफ लॉट्स का। यहाँ पर दोस्तों ध्यान आपको रखना है, अगर आप एक एंटर करेंगे तो एक एंटर करने में दोस्तों आपको मिलेंगे यहाँ पर 50 क्वांटिटी में कॉल, एक लॉट में 50 क्वांटिटी में कॉल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आप 10 या 20 कॉल यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, एक बार में आपको 50 ही बाय यहाँ पर करनी होती है। अब नीचे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे लिमिट का और मार्केट का। बात आती है लिमिट की, लिमिट लगाकर बाय करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों
अगर आप लिमिट लगाकर बाय करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप अपना प्राइस यहाँ पर एंटर कर देंगे प्राइस में। जैसे कि अभी के टाइम में एक कॉल की प्राइस है 17 रुपये, आपको लगता है अगर इसकी प्राइस आ जाएगी 16 रुपये तो 16 रुपये एंटर कर देंगे और बाय पे क्लिक कर देंगे और ऑर्डर पेंडिंग आपका रहेगा। जैसे इसकी प्राइस 16 रुपये की आएगी तो आपको ये कॉल यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर 16 रुपये की प्राइस नहीं आई है तो आपको कॉल नहीं मिलेंगे, आपका ऑर्डर भी पेंडिंग हो जाएगा और फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम सेट करने वाले हैं मार्केट को। मार्केट सेट करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि जो रेट मार्केट में कॉल का है उसी रेट पे कॉल हमें मिल जाएगी, वो भी इंस्टेंट। तो यहाँ दोस्तों हमने एक लॉट एंटर कर दिया है, नीचे आप देख पाएंगे यहाँ स्टॉप लॉस पर क्लिक, अगर अपना स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है, बाय पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं हमने ये कॉल यहाँ पर बाय कर ली है। टाइम में आप यहाँ पर कॉल्स बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात आती है, अगर हमें देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो किस तरह से देख पाएंगे, उसके लिए बस ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप ओपन ऑर्डर पे क्लिक कर अपना ऑर्डर देख पाएंगे और पोजीशन में क्लिक कर आप पोजीशन देख सकते हैं। जैसे कि जो कॉल अभी के टाइम में दोस्तों हमने बाय करी है उसमें हमें अभी के टाइम में जो नुकसान चल रहा है ये ऊपर आप देख पाएंगे और जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो ऊपर ही आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरह से आप कॉल्स बाय करते हैं और इस तरह से देख पाते हैं कि कितना प्रॉफिट कितना नुकसान आपको हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों स्टॉप लॉस की, अगर हमें स्टॉप लॉस अपना लगाना है तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टॉप लॉस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है टारगेट ट्रिगर प्राइस, तो ये प्राइस आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि दोस्तों अभी के टाइम में एक कॉल की प्राइस है 18.40 रुपये, अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस डाउन जाएगी तो वो प्राइस आप यहाँ एंटर कर देंगे। जैसे कि 15 रुपये एंटर करना है तो ये एंटर कर देंगे, इससे ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा, और सेल पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे ये हमारा पेंडिंग में चला गया है। अगर इसके एक कॉल की प्राइस 15 रुपये की आ जाएगी तो हमारा ये ऑर्डर सेल हो जाएगा। बस ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है अभी के टाइम में स्टॉप लॉस का। अगर कॉल की प्राइस ऊपर जाती रहती है तो आप एडिट ऑर्डर पे क्लिक कर अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर पाएंगे। इस तरह से आप दोस्तों अभी के टाइम में स्टॉप लॉस को यूज करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैंने अभी आपको जानकारी यहाँ पर दी है। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में हमें यहाँ पर 25 रुपये का फायदा हो रहा है और ही कम बढ़ती यहाँ पर होता रहता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कितनी जल्दी प्रॉफिट हुआ है और कितनी जल्दी नुकसान हमें यहाँ पर हो गया है, ये भी मैंने आपके सामने यहाँ पर शो कर दिया है। चलिए दोस्तों अब बात आती है, अगर हमें ये कॉल यहाँ पर सेल करनी है तो सेल कैसे करेंगे। सेल करने के लिए बस इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आता है एग्जिट का, बस यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख पाएंगे निफ्टी 50 आपके सामने शो हो रही है और एक लॉट हमने बाय करा है, ये आप देख पाएंगे। तो एक लॉट ही सेल करना है, यहाँ एंटर कर देंगे। कितना नुकसान है कितना प्रॉफिट आपको चल रहा है ये आप नीचे देख पाएंगे। अब हमें अगर ये सेल करना है तो बस एग्जिट पे क्लिक करेंगे और एग्जिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। बस इस तरह से आप कॉल बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको जानकारी दी है। अगर ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख गए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है और ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड भी वीडियो देखने आपको मिलने वाली है। और अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों को देखने को मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं। अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर अपना कर पाएंगे। तो अब चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।